नमस्कार दोस्तों, मिस्त्री अस्नूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हाल ही में जेल नंबर 1717 को हमेशा कहीं न कहीं देखते रहते हैं? तो निश्चित रूप से यह जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके अभिभावक देवदूत आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह नंबर आपको भेज रहे हैं। यह जेल नंबर 1 और 7 की ऊर्जा के कंपन को जोड़ती है, जिसे 2 बार दोहराया जाता है। इसके साथ ही उनके प्रभाव को 2 से भी बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 1 नई शुरुआत, सृजन और भविष्य में कुछ अच्छा होने से जुड़ा है, जबकि नंबर 7 ज्ञान, सीखने और शिक्षा के साथ प्रतिध्वनित होता है। दोस्तों, यह संख्याओं का एक सकारात्मक संयोजन है जो आपके लिए अच्छी खबर ला सकता है। आपको दूसरा मौका मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है, और आपके पास समझदारी से निर्णय लेने और बेहतर विकल्प चुनने का ज्ञान प्राप्त है। दोस्तों, जेल नंबर 1717 आपको बार बार दिखाई देती है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, तो आपको खुद पर अधिक भरोसा करना शुरू करना होगा। दोस्तों, आपको अधिक स्वतंत्र और अधिक दृढ़ निश्चयी होने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल आप ही यह तय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन को कहां ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, केवल आप ही अपने दिल की सच्ची इच्छाओं को जानते हैं, और केवल आप ही जानते हैं कि आप उन इच्छाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंतरात्मा को सुने कि आपकी वृत्ति आपको क्या बता रही है, और अपने दिल की इच्छाओं का पालन करें। दोस्तों, आपके जीवन के रास्ते में कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन इसीलिए आपके साथ आपके अभिभावक देवदूत हैं। वे आपको नियंत्रण में रखेंगे और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। दोस्तों, यदि आप एंजेल नंबर 1717 या एंजेल नंबर 847 देखते रहते हैं, तो यह भी एक संकेत है कि आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अधिक जोखिम लेने की आवश्यकता है। यदि आप अपना सारा जीवन डर और अनिश्चितता महसूस करते हुए बिताएंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और आपके जीवन का विकास धीमा पड़ सकता है। दोस्तों, आपके अभिभावक देवदूत आपसे खुद को बाहर निकालने और जीवन के नए अनुभव बनाने का आग्रह कर रहे हैं। नए लोगों से मिलें और अलग अलग चीजों को आजमाएं। दोस्तों, वास्तविक दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलें और देखें कि आपका दृष्टिकोण कैसे बदलता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी आपसे अलग राय है, और अपने आप को बौद्धिक रूप से उत्तेजित होने दें। दोस्तों, एंजेल नंबर 1717 आपसे आग्रह करती है कि आप अपनी असुरक्षाओं को अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने से ना रोकें। आप बस अपने मन में सकारात्मक चीजों को ट्यून कर सकते हैं, जो आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, सकारात्मक पुष्टि के साथ हर सुबह उठें। अपने दिन की शुरुआत सही प्रेरणा और उत्साही भावना के साथ करें, जिसके प्रभाव से आप जल्द ही अपने आप को अपने लक्ष्यों के और करीब होते हुए पाएंगे। दोस्तों, सफलता पाने के लिए कोई समय सारिणी नहीं है, लेकिन यदि आप हर एक दिन दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं, तो आप वहां जल्दी पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, एंजेल नंबर 1717 का संदेश आपको एक नई शुरुआत करने और उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आपके लिए ईश्वर द्वारा पहले से निर्धारित किया गया है। दोस्तों, दैवीय शक्तियां हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। जब आप सोचते हैं कि आप अपनी कठिनाइयों में अकेले हैं, तब भी वह आप पर नजर रखते हैं। यह समय आपके लिए दैवीय शक्तियों पर विश्वास करने का है। दोस्तों, दैवीय शक्तियों पर पूर्ण भरोसा रखें और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। अगली बार जब आप देवदूत संख्या 1717 को देखें, तब अपने दिमाग में केवल जीवन में अच्छी चीजों के होने का अनुभव करें। दोस्तों, उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं, और आप उन्हें अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हासिल कर पाएंगे। जेल नंबर 1717 आपको आश्वस्त कर रही है कि सफलता आपके भाग्य में है, इसलिए मन को शांत करें और इस समय का आनंद लें। दोस्तों, आपके अभिभावक देवदूत आपको कड़ी मेहनत करने और अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप उन लोगों में से ना बने जो जीविकोपार्जन के प्रयास में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल जाते हैं कि वास्तव में जीवन जीना कैसे है। दोस्तों, अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ें और उन्हें सच करें, लेकिन यह ना भूलें कि जीवन में काम के अलावा और भी बहुत कुछ है। आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो अच्छे और बुरे में आपके साथ रहेंगे, इसलिए उनका ख्याल रखें और उन्हें अनदेखा ना करें।
दोस्तों एंजेल नंबर 1717 दो अलग अलग संख्याओं की ऊर्जाओं को वहन करती है और उनके कंपन को दो गुना बढ़ा देती है। नंबर 1 नई शुरुआत का प्रतीक है, जबकि नंबर 7 ज्ञान से जुड़ा है। दोस्तों एंजेल नंबर 1717 खुशखबरी का संदेश है। यह दूसरे अवसरों के आशीर्वाद का प्रतीक है और आपको बेहतर जीवन विकल्प बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने का आग्रह करता है। जब आप अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं, तो अनुभवों से आपको जो सीख मिलती है उसे आगे ले जाना चाहिए। दोस्तों संख्या 1 और 7 का संयोजन केवल सकारात्मक हो सकता है, इसलिए जब आपका सामना है जेल नंबर 1717 से होता है, तो इसे अपनी पसंद में अधिक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन के रूप में लें। दोस्तों केवल आप ही अपने जीवन के मार्गदर्शक बन सकते हैं, क्योंकि आप ही अकेले हैं जो आपके दिल की सच्ची इच्छाओं को पूरी तरह से समझते हैं। ध्यान दें कि आपकी आंतरिक मन की वृत्ति आपको क्या बताती है और ब्रह्मांड की शक्तियों को सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करने दें। दोस्तों एंजेल नंबर 1717 प्रोत्साहन के एक बहुत जरूरी बढ़ावा के रूप में आता है, जो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों अपने अभिभावक देवदूतों को आपका मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि वे आपकी इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों आपके अभिभावक देवदूत आपको बता रहे हैं कि जोखिम उठाना ठीक है, चाहे वे कितना भी जोखिम भरा क्यों ना लगे। यदि आपके सपने आपको डराते या उत्तेजित नहीं करते हैं, तो वे काफी बड़े नहीं हैं। दोस्तों जीवन में जो कुछ भी लायक है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी, इसलिए यदि आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा में जोखिम उठाने की आवश्यकता है, तो आपके अभिभावक देवदूत आपका पूरा समर्थन करेंगे। दोस्तों अपने आसपास के लिए अपनी आंखें खोलें और अपने आसपास के लोगों के विचारों और शब्दों पर ध्यान दें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी बुद्धि और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। दोस्तों जीवन में उन लोगों या चीजों को जाने दें जो आपकी असुरक्षाओं का पोषण करते हैं और आपके जीवन में जगह बनाते हैं, ताकि आपके सपनों का समर्थन करने वाले सकारात्मक लोगों को पूरा किया जा सके। दोस्तों प्रत्येक नया दिन आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और इसे आशावाद से भरने का एक अवसर है, इसलिए हर सुबह एक उत्साही और प्रेरित दृष्टिकोण के साथ उठें और अपने लक्ष्यों को ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ पूरा करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि उस दिशा में आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम पुरस्कृत होगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।